जो दाना है वो शैदाई नहीं है, जो दाना है वो शैदाई नहीं है, मगर ये कोई दानाई नहीं है, मगर ये कोई दानाई नहीं है, वहां तक तो हमारे साथ चलिए जहां तक खौफ रुसवाई नहीं है। इस्तकबाल करिए जनाब मोहतरमा श्याम मवी सिंह साहिबा का। बहुत बहुत शुक्रिया। लखनऊ में आकर सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है, और तालिब साहब के क्या ही कहने हैं कि उनके लिए कुछ पंक्तियां यूं हैं कि दूर बैठा कोई नाजिम हो रहा है, नहीं मैं हो चुका हूँ, दूर बैठा कोई नाजिम हो रहा है, हर तवानाई में जैसे सो रहा है, यूं वो जुमले कस रहा हर बात पर, हंस रहा है लग रहा है रो रहा है। नहीं मैं आपसे हंस रहा है लग रहा है रो रहा है। एक मैं ये कह रहा कि शर्म दहशत झिझक परेशानी नाच से काम क्यों नहीं लेती आप वो जी, मगर ये सब क्या है तो मेरा नाम क्यों नहीं लेती। चलिए सुद्दान के बैनर तले मुशायरा पढ़ने के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं जनाब नदीम फारूक साहब को धन्यवाद देती हूँ, और डाइस पर बैठे आदरणीय अजम शाकरी दादा को प्रणाम करती हूँ, और और सर और जी जी इनका दादा में नाम ना जाए तुलवाई का, और कार्यक्रम की सदारत कर रहे यासीर सिद्दीकी साहब से इजाजत लेते हुए मैं अपनी प्रस्तुति की ओर बढ़ती हूँ। आदरणीय जायसवाल जी ने बहुत कोशिश की कि उनकी पत्नी तक उनकी कुछ बातें ना पहुंचे। आपके पास नंबर कैसे आया उनका? लेकिन लेकिन उनका दो जुर्म जो है वो कैमरों में कैद हो चुका है जी। और आदरणीय नदीम फारूक साहब उसको पहुंचाने की तैयारी भी कर रहे हैं पत्नी तक उनके, ताकि वो जो 3-5 करने की कोशिश में थे वो धमकी उनकी नाकामयाब हो जाए। और दूसरा वो जुर्म ये है कि पहली बात तो उन्होंने अपनी प्रस्तुति में 2 बार मेरा नाम ले लिया है, पहला जुर्म। और दूसरा जुर्म ये है कि उन्होंने ये बता दिया है कि उन्होंने श्रृंगार क्यों छोड़ा। आगे बढ़ते हैं और अपनी पहली प्रस्तुति पे आती हूं कि तू मेरी प्रीत का गुड्डा है, मैं गुड़िया तुम्हारी थी, तू मेरी प्रीत का गुड्डा था, मैं गुड़िया तुम्हारी थी, कि मेरे प्रेम में भी तुमने एक दुनिया सवारी थी, कि मेरे प्रेम में भी तुमने एक दुनिया सवारी थी, तू मुझको छोड़कर उसका हुआ है जिसके आशिक, वाह, तू मुझको छोड़कर उसका हुआ है जिसके आशिक, तू ये समझा नहीं कि जैसी भी मैं थी तुम्हारी। वाह 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 वाह, तू ये समझा नहीं कि जैसी भी मैं थी तुम्हारी थी, सुबह की प्रीत से ढलकर विरह की शाम में मिलना, सुबह की प्रीत से ढलकर विरह की शाम में मिलना, तू मिलता था जहां पहले उसी वीरान में मिलना, वाह वाह वाह, तुम्हारी राह देखेगी रहेगी जब तलक काया, तुम्हारी राह देखेगी रहेगी जब तलक काया, जहां मेरा ना हो कोई तो उस शमशान में मिलना, वाह वाह वाह, जहां मेरा ना हो कोई तो उस शमशान में मिलना, गम के सपने भी खूब आते हैं बंद आंखों में डूब जाते हैं, लोग हंसते भी नहीं शिद्दत से, हम तो रो रो के ऊब जाते हैं, हम तो वाह वाह हम तो रो रो के ऊब जाते हैं। बहुत अच्छा है। तुम्हारे नाम के नीचे पुराने शेर कितने हैं,
तुम्हारे नाम के नीचे पुराने शेर कितने हैं कि अब अबसार हैं खाले के हम भी जेर कितने वाह कि अब अबसार हैं खाले के हम भी जेर कितने हैं तुम्हारे इश्क की मरघट पे मेरा दम निकल जाए मगर ये तो बता कि मरने वाले और कितने हैं मगर ये तो बता कि मरने वाले और कितने हैं कि वो कहते हैं हम उनसे मोहब्बत कर नहीं पाए हम अपने प्यार से उनकी हथेली भर नहीं पाए उन्होंने कर दिया दौलत से रोशन घर का हर कोना उन्होंने कर दिया दौलत से रोशन घर का हर कोना मगर दिल के अंधेरे को वो रोशन कर नहीं पाए वाह 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 मगर दिल के अंधेरे को वो रोशन कर नहीं पाए जरा तहजीब से कह दो तो मर जाए जवानी में कसम दे दो जहर हक से तो पी जाए रवानी में तुम्हें दुल्हन बनाने का इरादा भूल जाए हम तुम्हारे इश्क को दफना दें अपनी शेरवानी में तुम्हारे इश्क को दफना दें अपनी शेरवानी में आइए गीत पढ़ती हूँ जिसका अनुमान है ड्रीम बॉय जिसका अनुमान है ड्रीम बॉय क्योंकि ये तो सरासर नाइंसाफी है कि गीत अक्सर लड़कियों की तारीफों में ही लिखे जाते हैं लड़कों का कोई ख्याल नहीं करता मैं कर रही हूँ ख्याल अरे अब तो ताली बजा दी आप पे ख्याल हो रहा है आइए देखते हैं कि एक जी असल में बात यह है कि जब एक पुरुष की परिभाषा बस इतनी है कि वो इजहार नहीं कर पाता लेकिन उसके सच्चे व्यक्तित्व को परखना हमारा काम होना चाहिए हमें जानना चाहिए कि हम पढ़ती हूँ कि वो तो रंगीन दिन के नजारों सा है उजली रातों के रोशन सितारों सा है देखता है तो यौवन ये खिल जाता है भीगी बारिश की मध्यम फुहारों सा है एक पल में वो सदियां बिताता फिरे मेरी खुशियों में ही मुस्कुराता फिरे पढ़ न जाए किसी की नजर मुझ पे वो मेरी तस्वीर दिल में छुपाता फिरे वाह 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 धोनी माटी की सौंधी महक इसीलिए आप आगे आके बैठने लग रहा है आपको पता था शांभवी सिंह ड्रीम बॉय पढ़ने वाली है कहीं गलती से मैं नजर आ जाऊं तो अच्छी बात है आगे बढ़ती हूँ कि भीली माटी की सौंधी महक सा है वो ठंडी ठंडी पवन की बयारों सा है वही तकदीर वही मुकद्दर मेरा उसके दिल के पनाहों में है घर मेरा उसके आगोश में ही मेरा अक्स है वही सुंदरता है वही जेवर मेरा सुबह की खिलती नारंगी किरणों सब ढलती शामों में लोगों की कतारों सा है आइए एक गीत पढ़ने की इजाजत चाहती हूँ वो गांव से जुड़ा एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत है और ख़ास तौर पर मुझे बहुत पसंद है मेरा पसंदीदा है जो मैंने लिखा है आप अब तक की रचनाओं में क्योंकि मैं भी ग्रामीण परिवार से बिलोंग करती हूँ और
किसान परिवार से जुड़ी हूँ, बिलोंग करती हूँ। तो साइकिल, बिल्कुल बिल्कुल, पहले वही ये गीत मुझे पढ़ना था असल में, पढ़ती हूँ साइकिल आपके लिए चार लाइन अंत में मैं जरूर के। आसमां में सितारे बिछे रहते थे, जब दरख्तों पे जुगनू सजे रहते थे, लालटेनों के शीशों को चमका के फिर कोठरी के मुहाने फिधरते थे हम। बापू की बहबाही मिले इसलिए रात भर कम चराहों में पढ़ते थे हम। खोज लाओ कोई उन दिनों को कभी, जब हमारा वो एक घर हुआ करता था, आम की कैरियों संग मेरे गांव में, प्यार ही प्यार सब में बटा करता था। ये शहर है बड़ा लूटा लूटा हुआ, आदमी तंग है कितना टूटा हुआ, ऊंची ऊंची इमारत से दिख ना सके वो मोहब्बत का घर पीछे छूटा हुआ। चंद सिक्कों की खन खन से जो था भरा, दिख रहा है वो गुल्लक भी फूटा हुआ। क्या कहने क्या कहने, जब सुबह को पपीहा उठाए हमें, दूध रोटी मेरी माँ खिलाए, चाय की पत्ती में निकली टॉफी को हम क्या कहने तोड़ कर बांट कर प्यार से खाते थे। वाह, इतनी यारी थी के दोस्तों के लिए, मार खा के भी झगड़ों में मुस्काते थे। वाह 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 वाह। खोज लाओ कोई उन दिनों को कभी, जब हमारा वो एक घर हुआ करता था, आम की कैरियों संग मेरे गांव में, प्यार ही प्यार सब में बटा करता था। आज के शहर के हालात क्या है कि इंसान कैसा बन चुका है कि पीठ पर भार है फिर भी तैयार है, पीठ पर भार है फिर भी तैयार है, आदमी खुश दिखे पर वो बीमार है, कोई एक दूजे को जानता ही नहीं, कैसे बिखरा हुआ आज संसार है, दुश्मनों से भरी है ये दौलत मेरी, प्यार के बिन ये शोहरत भी बेकार है। हाथ से टोकरी जब बुनी जाती थी, दादी माँ से कहानी सुनी जाती थी। गांव की एक छोटी तलैया में जब गर्मियों में नहाकर सुकून मिलता था, कितना भी दौड़ ले मस्तियों में सभी, एक नया सा हमेशा जुनू मिलता था। खोज लाओ कोई उन दिनों को कभी, जब हमारा वो एक घर हुआ करता था, आम की कैरियों संग मेरे गांव में, प्यार ही प्यार सब में बटा करता था। वाह वाह वाह। कार्यक्रम की सदारत कर रहे हमारे
यासिर सिद्दीकी साहब ने मुझे आदेशित किया है, चार लाइन मैं उनके लिए साइकिल के सुनाना चाहती हूँ। फरहान सब्बी साहब ने भी कहा है, साइकिल वाला सुना दीजिएगा आप। जी जी नहीं वो मैं सुनाऊंगी तो सुनेंगे सभी के। जब निगाहों से बात होती थी, वाह, उन दिनों छत पर रात होती थी, वो जो चौराहे से एक सड़क आती थी, नब्ज दिल की मेरे यूं धड़क जाती थी, जिस तस्वीर में बेचैन सा दिन खिले, उनके आते ही सुबह बदल जाती थी, साइकिल पर जो दिखता था हम दम मेरा, जान मेरी कसम से निकल वाह। वो जो पहला सा प्यार था दिल बेकरार था, आओ बताएं तुम्हें, हर जुबां पे सवार था अपना वो प्यार, आओ किस्सा सुनाएं तुम्हें। ये उस जमाने की बात है जब खतों के जरिए बात होती थी। उन दिनों ऐसा था जमाना जब वो था सिर्फ मेरे लिए, क्या कहने, उसका दिल में था न जाना, बिन मिले बिन यूं बातें किए, जब खतों पर दिले हाल लिखते थे हम, जब खतों पर दिले हाल लिखते थे हम, वो कलम खुद ब खुद ही फिसल जाती। वाह 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 वाह। जो पहला सा प्यार दिल बेकरार था, आओ बताएं तुम्हें। आखिर में ये कहूंगी कि रात का चैन सुबह का सुकून फिर से मिले, चंद खुशियों के लिए भागता फिरता जुनून फिर से मिले, अब फिजाओं में घुली खुशबुएं भी फीकी हैं, बचपने के दिनों का मई जून फिर से मिले। वाह 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 वाह।